ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? हाँ, हम लोग ने कर लिया था यहाँ पे पोलार और यूनिपोलार। ठीक है, दोनों हो गया था। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीज़ देख लिए थे, एन आर जेड देखे थे, नॉन रिटर्न जीरो और रिटर्न जीरो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग इसी को करते हैं बाई फेस। ठीक है, ये सब अभी पोलार में ही हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे बाईफेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बाईफेस में आ जाते हैं। ये रहा बाईफेस। ठीक है, तो बाईफेस इज एन एनकोडिंग स्कीम इन विच सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो। ठीक है, बाईफेस में क्या होता है कि वो अपना सिग्नल चेंज करता है बिट के मिडल इंटरवल पे, लेकिन जीरो तक वो नहीं पहुंचता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, रिटर्न टू जीरो मतलब वो जीरो तक पूरा पहुंच रहा था। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या कर रहा है, वो बाईफेस में सिग्नल को चेंज करेगा बिट के मिडल इंटरवल पे, लेकिन जीरो तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा वो अपना वोल्टेज देगा। ठीक है, तो बाईफेस एनकोडिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, दो डिफरेंट वेज होते हैं इसके। एक सबसे पहला होता है मैनचेस्टर, सेकंड होता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैनचेस्टर हम लोग देखते हैं, मैनचेस्टर क्या होता है। ठीक है, मैनचेस्टर में फर्स्ट पॉइंट है, इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो बिट के मिडल इंटरवल पे सिग्नल को चेंज करेगा, और लेकिन जीरो तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको सिंक्रोनाइजेशन करना है। ठीक है, फिर उसका सेकंड पॉइंट है, मैनचेस्टर एनकोडिंग ए नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन रिप्रेजेंट बाइनरी वन एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाइनरी वन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांजिशन जीरो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, मैनचेस्टर हैज द सेम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एज आर जेड स्कीम एक्सेप्ट दैट इट हैज टू लेवल्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे दो लेवल होंगे एम्पलीट्यूड के। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। ठीक है, ये कोई एक हमारे पास सीक्वेंस है, 0 1 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक इंटरवल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरवल है। ठीक है, दिख रहा है ना, और बड़ा करो इसको। ठीक है, ये हमारा इंटरवल है। ठीक है, यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, मिडल ऑफ द इंटरवल। ठीक है, वो क्या हुआ, चेंज किया अपने सिग्नल को। ठीक है, जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, मिडल ऑफ द इंटरवल क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाएगा सीधा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, अगले इंटरवल की मिडल तक वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये अगला इंटरवल है, ये डैश डैश वाली लाइन है, वो इंटरवल्स है, टाइम इंटरवल्स है। ठीक है, अगले इंटरवल के मिडल तक वो जीरो ही रहेगा। जैसे ही कुछ भी चेंजेस होता है, जीरो से वन होता है सिग्नल, ठीक है, वो क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन रिप्रेजेंट बाइनरी वन। ठीक है, बाइनरी वन है। ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव है ये, नेगेटिव, ये एक टाइम लाइन है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो पे वो नहीं रुक रहा है, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चले जाएगा। ठीक है, फिर अगला कौन सा बिट है, जीरो है। ठीक है, अगले इंटरवल के मिडल तक वैसा ही रहेगा, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाएगा। क्लियर,
पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर गया, यहाँ इंटरवल उसका देखो 010, ठीक है, ये सीक्वेंस है, मतलब यहाँ 6 बिट है, तो यहाँ पे वो वापस कैसे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 आया, मिडल में गया, फिर 0 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चले जाएगा, ठीक है, वापस से सेम सीक्वेंस में आएगा। यहाँ पे अगर सब सेम बिट यहाँ पे है तो वैसे ही 0 0 के लिए वो क्या करेगा, अप डाउन वैसे ही सेम करते रहेगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना समझो कि 1 किस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बस इतना याद रखना है हम लोग को, ठीक है, आया समझ में? और क्या कब चेंज हो रहा है, वो मिडल ऑफ द इंटरवल, इंटरवल के मिडल में चेंज होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियल मैनचेस्टर में, ठीक है। इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल, मिडल ऑफ द बिट इंटरवल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, बट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरवल डिटरमाइंस द बिट, ठीक है। ए ट्रांजिशन मीन्स 0 एंड नो ट्रांजिशन मीन्स बाइनरी 1। अगर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब होगा वैल्यू 0, ठीक है, अगर 1 होगा तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सेम है वैसे ही जैसा पिछले में हो रहा था, जैसा मैनचेस्टर में भी हो रहा था मिडल ऑफ द बिट इंटरवल, वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। बट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल, ठीक है, जो भी प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है उसका ट्रांजिशन का, ठीक है, वो कहाँ पे डिसाइड होगा, इंटरवल के बिगिनिंग पे, मतलब डैश डैश वाली लाइन है वहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इन मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम 2 सिग्नल चेंजेस रिप्रेजेंट 0 एंड 1 सिग्नल चेंज रिप्रेजेंट 1, ठीक है। 2 सिग्नल चेंज जब होगा, 2 सिग्नल जब चेंज होगा तो रिप्रेजेंट करेगा 0, और 1 सिग्नल चेंज होगा तो रिप्रेजेंट करेगा 1, ठीक है। तो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये 0 है, ठीक है, यहाँ से बिगनिंग में ही चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ वैल्यू 0 है, तो 0 में क्या हो रहा है, 0 मीन्स बाइनरी 0, ठीक है, 2 सिग्नल चेंजेस रिप्रेजेंट 0 एंड 1 सिग्नल रिप्रेजेंट्स 1, ठीक है। और कहाँ पे चेंज होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस कहाँ पे चेंज हो रहा है, बिगनिंग ऑफ द इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पे देखो सिग्नल 0 है, बिगनिंग से चालू हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल है, इसमें इसमें क्या होगा, कुछ अलग तरीके से वो चेंज होगा, ठीक है। अब उसके लिए कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, उसके हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसी वैल्यू को ही देखते हैं, ठीक है, वैल्यू है 0, ठीक है, यहाँ से इधर गया, फिर 0 में आके वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चले गया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो सेम ही है। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, मिडल पे ही वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 सिग्नल तक वो जाएगा, ठीक है, वैल्यू जब 1 रहेगी तो क्या करेगा वो, यहाँ पे देखो 2 सिग्नल चेंजेस रिप्रेजेंट 0 एंड 1 सिग्नल चेंज रिप्रेजेंट 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है, अगला 1 आने तक, ठीक है, अगला इंटरवल जो मिडल ऑफ द इंटरवल है उसके आने तक वो 0 वैल्यू है, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। चेंज कब होगा, जैसे ही 1 आएगा, 1 आएगा लेकिन वो हाफ सिग्नल के लिए ही चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 तक क्या करेगा, फिर वैसे ही जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इस टाइप से चेंज होते जाएगा, ठीक है। 2 सिग्नल है यहाँ पे, तो क्योंकि एक मिडल एक दूसरा मिडल, ठीक है, तो ये पूरा पूरा 0 रहेगा। फिर उसके बाद एक बार डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बिगनिंग है, बिगनिंग में ही डाउन होके फिर अप आएगा, ठीक है। फिर 2 बार 0 है तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद नेगेटिव में जाएगा, इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रेजेंस है इसका, बिगनिंग बिगनिंग वाला, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बिट एट द बिगनिंग
ऑफ वेट मीन्स ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो पे ही उसका बिट प्रेजेंस होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आ गया तो बहुत है। ठीक है, काफ़ी है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो डायग्राम वग्राम याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी डायग्राम बनाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो ठीक, वैसे याद नहीं रख पाओगे। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर याद नहीं भी रह रहा है तो ये दो पॉइंट्स भी लिख लोगे ना तो काफ़ी है। बस ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया तो आराम से कर सकते हैं अपन। ठीक है, डायग्राम अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा कनेक्शन आज अनस्टेबल लग रहा है। ठीक है, कुछ कुछ होते रहते हैं यार। ओके, ठीक है, समझ में आया? बाई फेस, सॉरी, हाँ बाई फेस समझ में आया। तो इसमें दो है, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाईपोलर पे। ठीक है, अभी तक हम लोग यूनिपोलर देखे और पोलर हम लोग देखे, अब आते हैं बाईपोलर पे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, बाईपोलर एनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट्स थ्री वोल्टेज लेवल्स। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। थ्री वोल्टेज लेवल है हमारे पास बाईपोलर में। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इन बाईपोलर बाईपोलर एनकोडिंग स्कीम ज़ीरो लेवल रिप्रेजेंट्स बाइनरी ज़ीरो, बाइनरी वन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस। ठीक है, अगर ज़ीरो होगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? बाइनरी ज़ीरो से रिप्रेजेंट होगा। अगर वन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस। ठीक है, वो कैसे होगा वो डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, इफ फर्स्ट वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट वन बिट, देन द सेकेंड वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव वोल्टेज। अगर फर्स्ट बिट जो है वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर सेकेंड वन जो होगा वो नेगेटिव को करेगा। अगर दो है, वन वन वन, जैसे ऐसे 0 1 1, फिर ज़ीरो आया। ठीक है, तो फर्स्ट वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड वाला वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थर्ड वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट में जाएगा। पहला वन पॉजिटिव होगा, सेकेंड वन नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन, वो चलते जाएगा। आया समझ में? ठीक है, जब भी अगर मान के चलो चार बार वन आया फिर ज़ीरो आ गया, ठीक है, या फिर पांच बार वन आया फिर ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 1 1 1 1 1 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले वन के लिए क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, इसके लिए नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर मान लो इसके पास 0 है, फिर 1 1 है, तीन बार 1 है। ठीक है, ऐसा हुआ। और यहाँ तो क्या हुआ था? पॉजिटिव हुआ था, 0 में क्या होगा? 0 वोल्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा अगले वन के लिए? नेगेटिव वोल्टेज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो चुका था यहाँ पे। अगले वन के लिए नेगेटिव वोल्टेज आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आया समझ में? तो यहाँ पे वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑल्टरनेटिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव होगा, फर्स्ट बार पॉजिटिव होगा, सेकंड बार नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? थर्ड बार पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे चलते जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बाइपोलर में ऐसा ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं यहाँ पे। इफ फर्स्ट
वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, देन द सेकेंड वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव. अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाइपोलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इस प्रकार से बाइपोलर काम करता है. ठीक है, अब बाइपोलर जो है वो थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, सबसे पहला आता है ए एम आई, सेकेंड आता है बी एड जेड एस, सेकेंड आता है एच डी बी थ्री. ठीक है, इसका नाम ही याद रख लो, बहुत बड़ी बात है. ए एम आई, बी एड जेड एस, एच डी बी थ्री. ठीक है, सबसे पहले आते हैं ए एम आई पे. ए एम आई मतलब होता है ऑल्टरनेट मास्क इन्वर्जन. क्या होता है? ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. ठीक है, ए एम आई स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, वेयर मार्क वर्क्स कम्स फ्रॉम टेलीग्राफी विच मीन्स वन. ठीक है, सो इट कैन बी रीडिफाइंड एज ऑल्टरनेट वन इन्वर्जन. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, इन बाइपोलर ए एम आई एनकोडिंग स्कीम जीरो बिट रिप्रेजेंटेड बाय जीरो लेवल एंड वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस. ठीक है, पूरा चीज वैसा का वैसा ही है, कोई भी इसमें नया चीज नहीं है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, डीसी कंपोनेंट इज जीरो, डीसी कंपोनेंट पे काम ही नहीं करता है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वंस बिट्स आर सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है, वंस जो होंगे जितने भी वन 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 वाले होंगे बिट, ठीक है, सारे के सारे सिंक्रोनाइज होंगे. ठीक है, आया समझ में? डिसएडवांटेज क्या है इसका, दिस एनकोडिंग स्कीम डज नॉट एंश्योर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस बिट्स. ठीक है, ये एनकोडिंग स्कीम क्या करता है, एंश्योर नहीं रहता है किसी भी सिंक्रोनाइजेशन के लिए जिसमें लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज हो, मतलब जीरो 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 बहुत सारे हैं. ठीक है, उसके सिंक्रोनाइजेशन का कोई भी गारंटी नहीं लेता है. ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन क्या काम करता है, ठीक है, ये जनरली वन के लिए काम करेगा, जितने भी वंस हैं उसी को सिंक्रोनाइज करेगा, और इसमें डीसी कंपोनेंट कुछ भी नहीं रहता है. और जैसा कि जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो बिट के लिए और वन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस के लिए. ठीक है, सेकेंड आते हैं बी एट जेड एस पे. ठीक है, इसको बोलते हैं बाइपोलर एट जीरो सब्सटीट्यूशन, बाइपोलर एट जीरो सब्सटीट्यूशन. ठीक है, दिस टेक्निक इज अडॉप्टेड इन नॉर्थ अमेरिका टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन फॉर ऑफ ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज बिट्स. ठीक है, ए एम आई क्या काम कर रहा था, वंस को फोकस कर रहा था, जितने भी वंस है उसको फोकस कर रहा था, मतलब सीक्वेंस ऑफ वंस बिट आर सिंक्रोनाइज्ड. किसको सिंक्रोनाइज कर रहा था, वंस को कर रहा था. अब बी एट जेड एस किसको करेगा, जीरोस को करेगा. ठीक है, ये टेक्निक जो है वो जीरोस को सिंक्रोनाइज करने के लिए बनाई गई थी. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ बी एट जेड एस इज सिमिलर टू द बाइपोलर ए एम आई, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स द सिंक्रोनाइजेशन व्हेन ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस बिट ऑकर्स. ठीक है, ये टेक्निक कब काम आएगी, जब हमारे पास कोई भी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो हो किसी भी पैटर्न में आ जाए. जैसे कोई भी एक पैटर्न है यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस टाइप का, अगर मान लो इस टाइप का कोई पैटर्न है उसमें बहुत सारे जीरो आ गए इस टाइप से, फिर वन 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 है, फिर जीरो जीरो जीरो, इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस आ जाता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग, ठीक है, इस टाइप का कोई भी हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं जिसमें लॉन्ग स्ट्रिंग हो जीरो के, ठीक है, तब इसको सिंक्रोनाइज कर पाएगा वो, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. आया समझ में?
ठीक है, तो ये 0 बिट जब भी ऑकर होगा उसी को ये सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है B8ZS एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज बाय प्रोवाइडिंग फोर्स आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस कॉल्ड बॉयलेशंस विद इन जीरो स्ट्रिंग पैटर्न। ठीक है, जितने भी लॉन्ग स्ट्रिंग होंगे जीरो के, ठीक है, वो एक फोर्स आर्टिफिशियल सिग्नल चेंज देगा जिसको हम लोग वॉयलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉयलेशन। ठीक है, वो वॉयलेशंस प्रोवाइड करेगा उसमें जिसको हम लोग फोर्स आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस बोलते हैं। मतलब वो एक प्रकार का कुछ एक आर्टिफिशियल सिग्नल चेंज करेगा जिसके थ्रू वो जीरो पैटर्न जो है उसको सिंक्रोनाइज कर पाएगा। ठीक है, जितने भी जीरोस के पैटर्न हैं, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हेन 8 0 ऑकर्स, ठीक है, लगातार अगर 8 0 आ जाता है, देन B8ZS इम्प्लीमेंट सम चेंजेस इन जीरो स्ट्रिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द पोलारिटी ऑफ द प्रीवियस 1 बिट। ठीक है, अगर मान के चलो ये हमारे पास बिट है, अगर 8 0 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ठीक है, बाकी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो 8 0s आ गए, उसमें क्या आ गए? 8 0s आ गए। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो 1 होगा अगर वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो इसकी पोलारिटी होगी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन करना है। ठीक है, अगर लगातार 8 0s आ जाते हैं, ठीक है, उस केस में कैसे सिंक्रोनाइजेशन करेगा, ये इस 1 के हिसाब से करेगा। ठीक है, ये 1 के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पोलारिटी क्या है, मतलब नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या जीरो में है, जैसा भी। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? देन उसके बाद आता है, इफ द पोलारिटी ऑफ द प्रीवियस 1 बिट इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ द पोलारिटी ऑफ प्रीवियस 1 इज पॉजिटिव, द 8 0s विल बी एनकोडेड एज 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस प्रकार से उसकी पोलारिटी डिसाइड की जाएगी। ठीक है, कैसे डिसाइड की जाएगी पोलारिटी? द 8 0s विल बी एनकोडेड एज 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, टोटल 8 हो गए। ठीक है, इस टाइप से सीक्वेंस होगा। क्लियर आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, पोलारिटी ऑफ प्रीवियस बिट मान लो पॉजिटिव है, उसके बाद 8 बार 0 आ गया, कैसे चेंज होगा? ये पॉजिटिव है, फिर उसका 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉयलेशन होगा। ठीक है, 3 के बाद वापस पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव, फिर 0 आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, ये हो गया वॉयलेशन। इसको वॉयलेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, फिर 3 बार 0, फिर पॉजिटिव, फिर 1 बार नेगेटिव, फिर 1 बार 0, फिर नेगेटिव, इसको वॉयलेशन बोला जाता है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है, इफ पोलारिटी ऑफ प्रीवियस बिट इज नेगेटिव, देन 8 0s विल बी एनकोडेड एज 0 0 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से होता है, इसको वॉयलेशन बोला जाता है। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा होगा। ठीक है, बस एक बार नोट्स को इसको पढ़ लोगे ना तो पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लो, थोड़ा बहुत भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल कन्वर्जन जो है वो पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ा था तो मैं खुद घूम गया था पूरा, क्या हो रहा है करके। 2 बार 3 बार पढ़ा तब कहीं जाके अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो तुम लोग भी 1 2 बार पढ़ोगे, इसको रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग HDB3। ठीक है, हाई डेंसिटी बाइपोलर 3।
ठीक है, ये थ्री मतलब ये वर्जन थ्री है इसका, ठीक है। जनरली इसमें भी तीन टाइप के पोलारिटी होते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई डेंसिटी बाईपोलर थ्री, ठीक है। HBD3 टेक्निक वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन यूरोप एंड जापान, ठीक है। HDB3 टेक्निक इज डिजाइन टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज बिट, ये भी जीरोज बिट के लिए ही बनाया गया था। इन HDB3 टेक्निक द पैटर्न ऑफ वॉयलेशन इज बेस्ड ऑन द पोलारिटी ऑफ द प्रीवियस बिट, जो भी इसका वॉयलेशन होगा, ठीक है, वो पोलारिटी पे डिपेंड करेगा अपने प्रीवियस बिट के, कि प्रीवियस बिट का क्या पोलारिटी था उस पे डिपेंड करेगा। व्हेन फोर जीरोज ऑकर HDB3 लुक्स एट द नंबर ऑफ वंस बिट ऑकर सिंस द लास्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, लास्ट सब्सटीट्यूशन जो होगा, ठीक है, अगर फोर जीरोज आ जाते हैं तो वो क्या करेगा, वंस को काउंट करेगा सबसे पहले कितने बार ऑकर किया है, ठीक है, पिछले सब्सटीट्यूशन पे, ठीक है। तो जनरली ये सारे जो वंस वगैरह होते हैं ये इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड रहते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, अगर वो डिवाइस जो लगा हुआ है वहाँ पे, वो कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो उसके कैपेबल होगा, अगर उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होगी कि वो पोलारिटी डिसाइड कर सके, ठीक है, तो वो इसमें से तीनों में से कोई एक पोलारिटी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। हम लोग को लग रहा होगा कि कैसे इसमें जीरो और वन का हम लोग खेल रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जनरली ये प्रोग्राम की जाती है, जो यहाँ पे जो हम लोग यूनिपोलर बाईपोलर और ये सब देख रहे हैं ना पोलर, इसको प्रोग्राम किया जाता है, मतलब इसमें एल्गोरिथम डाला जाता है, जो IC हम लोग देखते हैं IC, ठीक है, उसमें यही सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्रोग्रामिंग होते हैं, 14-15 लाइन के प्रोग्रामिंग होते हैं, और जिसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखा होता है और उसको इसमें लोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारे डिवाइस जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं HBD3 में HDB3, इफ द नंबर ऑफ वन बिट्स इज ऑड देन द वॉयलेशन इज मेड ऑन द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव जीरो, ठीक है। इफ द पोलारिटी ऑफ द प्रीवियस बिट इज पॉजिटिव देन वॉयलेशन इज पॉजिटिव, इफ द पोलारिटी ऑफ प्रीवियस बिट इज नेगेटिव देन वॉयलेशन इज नेगेटिव, ठीक है। अगर वन बिट्स जो है वो ऑड नंबर में है, ठीक है, देन द वॉयलेशन इज मेड ऑन द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव इज जीरो, जो वॉयलेशन होगा फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव जीरो, ठीक है, उसी में अप्लाई होगा, मतलब चौथा जो जीरो होगा उसी में अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ लिखा है इफ द नंबर ऑफ वन बिट सिंस द लास्ट सब्स्टिट्यूशन इज ऑड, ठीक पोलारिटी ऑफ प्रीवियस बिट यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव में चेंज होगा, मतलब फोर्थ जीरो जो होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पोलारिटी ऑफ प्रीवियस बिट इज पॉजिटिव है तो फोर्थ जीरो क्या होगा, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, इस जीरो के पोलारिटी का, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइज किसको करना है, हम लोग को जीरो को ही सिंक्रोनाइज करना है, तो उसी का ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कई लोग के तो बाउंसर गया होगा पूरा, कोई अगर थोड़ा बहुत कैच कर लिया तो कर लिया, नहीं तो पूरा बाउंसर जाएगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस रहता है कि क्वेश्चन आए, ठीक है। देखो अब ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक जो हम लोग एम्बेडेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं उस पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि एक बोर्ड आता है, आर्डिनो बोर्ड आता है, ठीक है, वो आर्डिनो बोर्ड्स में भी बहुत सारे पोर्ट्स दिए रहते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस उसमें छोटे छोटे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे सर्किट होते हैं, छोटे छोटे सेंसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सेंसर्स वगैरह सब कैसे काम करते हैं, इसी सीक्वेंस पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर हम लोग उसमें लगाए, ठीक है, फिंगरप्रिंट जो स्कैन करता है, ठीक है,
तो स्कैन करता है वो, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर के फॉर्म में देगा, वो पिक्चर के फॉर्म में नहीं देता, वो कुछ वैल्यूज़ के फॉर्म में देता है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ देता है, उसको बाद में चेंज किया जाता है ज़ीरो और वन के फॉर्मेट में, और उसी फॉर्मेट में ही ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है सेंस करता है और इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो 0 1 के सीक्वेंस में ही चेंज करता है, और वहाँ पे कोई डिवाइस से कैसे काम करवाना है उसको, वो ये इतने सारे डिजिटल कन्वर्जन के थ्रू ये काम होता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग को डिजिटल डेटा चाहिए। ठीक है, हम लोग को एनालॉग डेटा नहीं चाहिए, कैसा चाहिए डेटा चाहिए, डिजिटल डेटा चाहिए वहाँ से हम लोग को, तो वहाँ से हम लोग को 0 और 1 के ही फॉर्मेट में लेना पड़ता है, और तभी वो डिवाइस काम कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जब वोल्टेज दोगे, अब वोल्टेज कैसा दे रहे हैं उसको, हम लोग नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, या जीरो दे रहे हैं, वो सारा इस कन्वर्जन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, सब के सब केमिकल कंपोजिशन पे काम करते हैं, उसी में अंदर केमिकल ही भरा होता है, वही चार्ज होता है, वही डिस्चार्ज होता है, वही अपने तरीके से वर्क करता है। ठीक है, उसको वोल्टेज चाहिए होता है, अगर मान के चलो कोई डिवाइस है 5 वोल्ट्स में वो काम करने वाला है, मतलब 5 वोल्ट का करंट जब तक दोगे तभी वो एक्टिव हो पाएगा, मतलब उतना चार्ज ले पाएगा, खुद को एक्टिव कर पाएगा। ठीक है, तभी उसकी पोलारिटी डिसाइड होती है कि किस पोल पे, मतलब उसका ये केमिकल अगर डला है तो वो कौन से पोल पे काम करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो डिवाइस कैसे वर्क करेगा, कब उसको वोल्टेज चाहिए, किस सीक्वेंस में वोल्टेज चाहिए, वो सारा चीज़ डिसाइड किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया?